नमस्कार दोस्तों, मैं रणवीर सिंह स्वागत करता हूं आप सबका YouTube चैनल द नवलगढ़ स्टेशन पे। आज की हमारी ट्रेन जानकारी है जयपुर से मुंबई बांद्रा टर्मिनल्स के बीच चलने वाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस ट्रेन की। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर से दबा लें ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं ट्रेन नंबर 12980 12980 जयपुर मुंबई बांद्रा टर्मिनस सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन की। इस ट्रेन का संचालन उत्तर पश्चिमी रेलवे करता और यह हफ्ते में 3 दिन चलने वाली त्रिसाप्ताहिक सुपरफास्ट टाइप की ट्रेन है। बात करें इसके ट्रेवल टाइम की तो जयपुर से बांद्रा टर्मिनस तक की टोटल डिस्टेंस 1149 किलोमीटर को लगभग 64 किलोमीटर प्रति घंटा की एवरेज स्पीड से 17 घंटे और 55 मिनट में कवर करती है और इस ट्रेन की परमिसेबल स्पीड 110 किलोमीटर प्रति घंटा है। और वही बात करें अगर इसके लोकोमोटिव की तो जयपुर से सवाईमाधोपुर तक भगत की कोठी लोको सेट का WDP4, WDP4B या WDP4B इनमें से कोई एक डीजल लोकोमोटिव लेकर जाता है और सवाईमाधोपुर से बांद्रा टर्मिनस तक वडोदरा लोको सेट का WAP4E या WAP5 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव लेकर जाता है। और वहीं बात करें अगर इस ट्रेन में कोच की तो इस ट्रेन में उत्कृष्ट ICF उत्कृष्ट रेक के कोच है जिनमें फर्स्ट AC, सेकेंड AC, थर्ड AC, स्लीपर क्लास व जनरल अनरिजर्व के कोच हैं जिनका जयपुर से बांद्रा टर्मिनस तक किराया AC फर्स्ट क्लास का किराया 3,450 रुपये, AC सेकेंड क्लास का किराया 2,020 रुपये, AC थर्ड क्लास का किराया 1,405 रुपये, स्लीपर क्लास का किराया 530 रुपये और वहीं जनरल अनरिजर्व कोच का किराया 291 रुपये है। दोस्तों ये अपडेटेड किराया नहीं है, इसलिए रेलवे टिकट काउंटर से या रेलवे की वेबसाइट से अपडेटेड किराया चेक अवश्य कर लें। इस ट्रेन का कुल 15 स्टेशनों पर ठहराव है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इस ट्रेन का किन किन स्टेशनों पर ठहराव है और वहाँ इसका टाइम टेबल क्या है। ट्रेन नंबर 12980 जयपुर मुंबई बांद्रा टर्मिनस सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन हफ्ते में सोमवार, बुधवार व शुक्रवार को जयपुर जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 से रात 8:25 पर रवाना होती है और जयपुर से रवाना होने के बाद रात 8:32 पर यह ट्रेन पहुंचती है दुर्गापुरा और करीबन 3 मिनट ठहराव के बाद 8:35 पर यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद यह ट्रेन पहुंचती है सवाईमाधोपुर जंक्शन रात 10:35 पर और करीबन 10 मिनट ठहराव के बाद 10:45 पर यहाँ से रवाना होती है। सवाईमाधोपुर जंक्शन पर इस ट्रेन का रेक रिवर्सल होता है और लोकोमोटिव डीजल से इलेक्ट्रिक में चेंज होता है। इसके बाद यह ट्रेन पहुंचती है कोटा जंक्शन रात 12:05 पर और करीबन 5 मिनट ठहराव के बाद 12:10 पर कोटा से रवाना हो जाती है। इसके बाद यह ट्रेन पहुंचती है नागदा जंक्शन 3:06 पर और करीबन 2 मिनट ठहराव के बाद 3:08 पर नागदा जंक्शन से रवाना हो जाती है। इसके बाद यह ट्रेन पहुंचती है रतलाम जंक्शन 4:05 पर और करीबन 5 मिनट ठहराव के बाद 4:10 पर यहाँ से रवाना हो जाती है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है मेघनगर 5:13 पर और करीबन 2 मिनट ठहराव के बाद 5:15 पर यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद यह ट्रेन पहुंचती है दाहोद 5:48 पर, करीबन 2 मिनट ठहराव के बाद 5:50 पर यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद यह ट्रेन पहुंचती है गोधरा जंक्शन सुबह में 7 बजे और 2 मिनट ठहराव के बाद 7:02 पर गोधरा जंक्शन से रवाना हो जाती है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है वडोदरा जंक्शन सुबह में 8 बजे और करीबन 10 मिनट ठहराव के बाद 8:10 पर यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद यह ट्रेन पहुंचती है सूरत 10:03 पर और करीबन 5 मिनट ठहराव के बाद 10:08 पर यहाँ से रवाना हो जाती है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है वलसाड़ 11:11 पर और करीबन 2 मिनट ठहराव के बाद 11:13 पर यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद यह ट्रेन पहुंचती है वापी 11:36 पर और 2 मिनट ठहराव के बाद 11:38 पर वापी से रवाना हो जाती है।
इसके बाद यह ट्रेन पहुंचती है पालघर दोपहर 12:34 पे और करीबन 2 मिनट ठहराव के बाद 12:36 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद यह ट्रेन पहुंचती है बोरीवली 1:27 पे और 2 मिनट ठहराव के बाद 1:29 पे बोरीवली से रवाना हो जाती है। इसके बाद यह ट्रेन पहुंचती है अपने सेकंड लास्ट स्टॉपेज अंधेरी दोपहर में 1:50 पे और 2 मिनट ठहराव के बाद 1:52 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद यह ट्रेन पहुंचती है अपने लास्ट स्टॉपेज बांद्रा टर्मिनस दोपहर 2:20 पे और यहाँ तक अपनी 1149 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर लेती है। तो दोस्तों ये थी 12980 जयपुर मुंबई बांद्रा टर्मिनस सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन की जानकारी। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक व शेयर करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।